क्वेश्चन दो का सवाल है क्वेश्चन सेज द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सिज एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट और हमें चार जो स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से बताना है करेक्ट कौन सी है पहला है कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी दूसरा है कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज सी uh, है कर्व्ज बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम इंटेंसिटी कर्व्ज चौथा ऑप्शन है आपका कर्व्ज ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज अगेन यहाँ पे अगेन आपके बेसिक्स उस पर जाएगा सो uh, so ये जो पोटेंशियल है मान लीजिए इसको आप माइनस वी वन और माइनस बी टू कहते हैं और ये जो करंट आपका यहाँ पे आ रहा है इसको करंट आप मान लीजिए आई वन और करंट आई टू कहते हैं तो कर्व ए जो है वो आपका माइनस वी वन और आई वन रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व बी माइनस वी वन और आई टू रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व सी माइनस V2 टू और आई टू इस पर यहाँ पे आपके एक्सेस कट कर रहा है नाउ अपने जो यहाँ पे जो इक्वेशंस है अपनी जो आइंस्टीन की इक्वेशन है जिसमें हम कहते हैं कानीटिक एनर्जी मैक्सिमम मैक्सिमम जिसको आप ई वी एस लिखते हैं और वी एस आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है विल बी इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट ये आपका एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए उसी के बाद आपका करंट यहाँ पे फ्लो करता है ना इस केस में हम जो बात कर रहे हैं uh, तो आपका इसका राइट right आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए विच सेज कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बिकॉज ए और बी दोनों के लिए आपका ये वी वन सेम है तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होएगी बट और डिफरेंट इंटेंसिटीज डिफरेंट इंटेंसिटी होने की वजह से आपके ये दोनों का दोनों करंट डिफरेंट है इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन अब यहाँ पे बी और सी और डी को भी एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी कहता है कर्व्स बी एंड सी रिप्रेजेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बी और सी दोनों कर्व अगर देखेंगे क्योंकि दोनों का करंट आपका सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट नहीं होगी तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर नहीं है सी uh, कहता है कर्व्स बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी में आपका दोनों का क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती है ठीक है तो ऑप्शन सी भी इस वजह से आपका सही नहीं है और इंटेंसिटी सेम है बाद बी और सी की क्योंकि दोनों का करंट सेम है ठीक है ऑप्शन uh, डी है कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या इंटेंसिटी नाउ ये ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर